हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए यहाँ पर पेज नंबर आपका 67 पर आपको पढ़ना है मेजरमेंट में वे, ठीक है। ये पहले वाला क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन करते किया था, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया था कि लेंथ का जो मेन यूनिट होता है बच्चों वो आपका सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ ओल्ड यूनिट भी थे जिसमें आपको बताया गया था डिजिट, स्पैन, क्यूबिट, फुट, पेज, ठीक है। इस तरीके से ये ओल्ड यूनिट था और मेन यूनिट जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज कर रहे हैं वो है आपका सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। आज हम चर्चा करेंगे वेट यानी कि भार, ठीक है। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आपका वेट होता है वो कैसे हम लोग उसको फाइंड करते हैं, उसको फाइंड करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आज हम लोग यही सीखेंगे, ठीक है। लिखा है तो वेट इज अब हाउ हैवी ए थिंग इज, ठीक है। वेट के द्वारा हम ये पता करते हैं कि कोई वस्तु कितना भारी है, कितना हैवी है या भारी है, ठीक है, या कितना हल्का है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कह दें कि जो वन एप्पल है, एक एप्पल का भार जो है उसका वेट वन हैंडफुल फीट के इक्वल है, ठीक है। मतलब एक मुट्ठी भर गेहूं के बराबर एक सेब का वजन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वन एप्पल का जो वेट आएगा वो वन हैंडफुल ग्रेन या वेट हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है तो वी कैन यूज द फॉलोइंग यूनिट टू मेजर वेट। वेट का मेजर करने के लिए हम लोग एक नीचे जो दिया गया यूनिट है उसका यूज करते थे। ये ओल्ड यूनिट हम उसको आप जानेंगे, जैसे यहाँ पर स्टोन आपको दिया गया है, बहुत सारे यूनिट है आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्टोन है एमईओ, स्टोन जो पत्थर के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, इस तरीके से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। स्टोन के ये जो टुकड़े होते हैं पत्थर के, इसका हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने के लिए यूज करते थे। और उसके बाद इसका जो
किलोग्राम मेन यूनिट आप क्या लिखे, मेन यूनिट आप वेट यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। मेन यूनिट आप वेट आप क्या क्या है इसमें आप क्या लिखेंगे किलोग्राम के आई एंड किलोग्राम एंड ग्राम यहाँ पे लिखते हैं ठीक है। ये मेन यूनिट है हमारे किलोग्राम और ग्राम, ठीक है। इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे लाइन यहाँ पे लिखा है है, ठीक है। एक मेन यूनिट है एक किलोग्राम और ग्राम है, ठीक है बच्चों। और ये जो आपको दिखाया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये आपके होल्ड यूनिट है, जैसे स्टोन पीस ऑफ स्टोन कह सकते हैं, ठीक है। जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उसके बाद हैंड पीस ऑफ स्केल मुट्ठी भर अनाज कैरी करते हैं, ब्रिक ईट का भी प्रयोग करते हैं और स्मॉल बैग ऑफ सैंड मतलब कि जो बालू से भरी हुई रेत से भरी हुई छोटी छोटी थैलियों का भी हम यूज करते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे यूनिट हो गए और मेन यूनिट जो आपको बताया गया किलोग्राम एंड ग्राम ये होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं जो कि वेट का मेजरमेंट हम जो लोग जो है किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या किस यंत्र के द्वारा करते हैं। इसके लिए बच्चों देखिए हम लोग एक बैलेंस का यूज करते हैं, ठीक है। बैलेंस आप देखिए हमने थोड़ा दंड का जैसे इस तरीके से आपका ये होता है यहाँ पर हम को बना रहे हैं, तो आप देखिए ठीक है इस तरीके से ये दंड टूला और इसी तरीके से यहाँ जब कुछ लिखते हैं तो आप देखिए ये बच्चों आपका दंड टूला होता है यहाँ पर रखा होता है पकड़ने वाला, ठीक है। और इस पर हम कोई सामान लेके रखते हैं कोई भी मान लीजिए पर एकदम बिल्कुल सीधा न हो जाए, ठीक है। तो
बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये बैलेंस आपको दिखाया जैसा कि हमने बोर्ड पर बनाया है, और ए बैलेंस भी आप देख रहे हैं इसका भी किया जाता है। और अब जो है बहुत सारे डिजिटल बैलेंस आ गए हैं जिसमें आपको पार्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। केवल आपके प्रति है वो आपके उस पर कितना उसका पेटी या ग्राम जो है उसका वेट है, ठीक है, जो आपके साथ मीजर करना चाहते हैं जिसका वेट, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका मीजर वेट के मेन यूनिट आपको पता चल गया इसका वेट किलोग्राम एंड ग्राम। और उसके बाद उसके ओल्ड यूनिट की विषय में भी चर्चा हुई, जैसे हैंड फुट गेन या फिर आपके ब्रीफ स्टोन या फिर आपका बैग ऑफ हैंड, ये सब आपको बताएगा। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट चार्ज के द्वारा हम जो है वेट का मेजर करते हैं, किसी भी आपके वेट को मापते हैं। तो इसके लिए आपको ये बैलेंस बता दिया गया, उसको आप वेट हम जो है इसी के द्वारा जो है मेजर करते हैं, नापते हैं, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों हम लोग एसएससी और सेल्फ में आपका क्वेश्चन दिया उसको देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको लिख दिया गया है मीजर वेट, आपको वेट का मीजर करना है, आप साइकिल से यूजिंग हैंड फुल आप वेट, ठीक है। उसी पर गेम का यूज करके आपको पांच गेहूं का वजन मापना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे बैलेंस का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद साइकिल एक तरफ रखेंगे उसको एक साइड में, और दूसरी साइड में आप जो है एक एक मुट्ठी जो
किया वीक का किया कितने हैं वीक का किया वाली है तो आपको वही नंबर आपको यहां पर राइट करना है ठीक है तो मान लीजिए टेक टेक हैं किया यहां पर आप लिखते हैं 20 करेंगे तो 20 जितना आप कितनी बार मुट्ठी में भर करके उस पगड़े में डालेंगे जब तक कि उसका वेट इक्वल नहीं हो जाता है उस स्पीड से वही जो है नंबर आप हैंड बुक वही क्या होगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा उसी को आपको फिल करना है ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट यहाँ लिखे जो लिखा है मीटर पे सेकेंड मीटर मीटर पे आप देखो यूनिट स्टोन यूनिट स्टोन और लिखा है सबसे पेट अकाउंट द सहायता से ईट की सहायता से ब्रिक विथ ईट होता है
सुंदर बैग को रखेंगे और दूसरे साइड से क्या रखेंगे, ब्रिक्स को, ईंटों को। आप कितने ईंट जो है दूसरी साइड से रखते हैं कि उसके इक्वल हो जाता है उसका वेट, तो वही नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, वही नंबर आपको ईंट का नंबर आपको फिल करना है, कितने ईंट के इक्वल आपका सुगर का बैग, चीनी का बैग आता है उसको। फिर आपको क्या मीटर से आपको बनाना है, चार किलो को आप लोग वजन करना है, उसकी तौलना है किलो, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए क्या फोर बनाना इस्तेमाल बैग आप ट्रेंड छोटे छोटे थैलियों में, ठीक है, पॉलिथीन में आप जो है क्या करेंगे, रेत को, बालू को, टैंक में बालू होता है उसको भरेंगे और सब में थोड़े इक्वल होना चाहिए। उसके बाद कितनी थैली का यूज करते हैं, चार बनाना मतलब केले का वेट करने के लिए, ठीक है, उसका वजन करने के लिए कितने लैंड आप बैग का यूज करते हैं, बैग आपका, तो उसको आप जो है यहाँ पर फील करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकली है, तो इसको आप घर पर करेंगे और उसके बाद सही सही नंबर इसमें फील करेंगे। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है, तो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेजरमेंट में कैपेसिटी यानी कि धारिता का मापन किस तरीके से हम लोग करते हैं लिक्विड का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जॉइन टेक केयर।